अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। और आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने वाला हूँ, साथ रहिएगा। तो दोस्तों, सीन कुछ ये है कि मैं, रहमान और युसरा हम जा रहे हैं यहाँ पे एक गार्डन में, जो एक घर के बैक यार्ड में बना हुआ है। तो आप भी मेरे साथ चलें, आपको दिखाते हैं। इतना खूबसूरत गार्डन मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, तो आपको भी दिखाते हैं। ये देखें, लोगों ने जो है जो सामान एक्स्ट्रा होता है वो घर के बाहर रख देते हैं और कोई भी यहाँ से उठा सकता है। ये देखें, फ्रिज पड़ा हुआ है और कंडीशन तो 10/10 लग रही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये फंक्शनल है या नहीं है। तो सामने गार्डन है और आज लिलेक गार्डन्स ओपन, तो आज खुला हुआ है, तो चलते हैं। ये देखें, और एग्जैक्टली चार घर छोड़ के हमारा घर है, तो ये बिल्कुल करीब है हमारे घर के। मौसम बिल्कुल ज़बरदस्त, खूबसूरत मौसम। और चले अंदर चले, इट्स ओपन टुडे, या ऑन दिस साइड युसरा, कम ऑन दिस साइड, आई होप इट्स ओपन, या इट्स ओपन, कम ऑन दिस साइड। देखें जी, लिखा हुआ है, ये देखें, गार्डन लिलेक गार्डन्स ओपन। चलो स्टार्ट करते हैं। ना देख, हेलो, थैंक यू। या I have a camera with me. Okay. Yeah. ये देखें जी, और ये घर का गार्डन है, ठीक है। ये देखें रोज, ओहो हो, ब्यूटीफुल। Come, come. No. Stay on the grass or the path. Yeah, idea, Emma. Just don't walk there. Yeah. Yes, because there's little ones in there that can get hurt. Yeah. But ones that are along the side, you can smell. Mm-hmm. But don't walk in the flower bed, okay? Because there's little ones that could get broken. They're babies. Yeah, they're babies. Take care of the babies, right? Yep. Okay. Let's go in. ये देखें जी, दिस इज ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है। और ये घर का गार्डन है, मैं हैरान हूँ कि इन लोगों ने इतनी एफर्ट की है, इतनी मेहनत, माशाल्लाह। ये देखें, वाह, खुशबू से भरा हुआ है ये गार्डन, खुशबुओं से भरा हुआ है, ओ माय गॉड। युसरा, ये देखिए जी, ओहो हो, क्या फूल है यार, ये देखिए, ब्यूटीफुल, कमाल कमाल है। हाय, आप आ जाओ इधर, आ जाओ, काफी लोग आए हुए यहाँ पे। चले जी, रहमान ये देखो कितना अच्छा बना हुआ है यार, ये कितना खूबसूरत है, पानी ऊपर से आ रहा है। ओके, कम ऑन दिस साइड,
come see, see here. जब हम पिछली दफ़ा आए थे ना यहाँ पे पूरे फूल थे ना, वो फूल एक्चुअली ख़त्म हो गए अभी, लेकिन अभी भी बहुत ही खूबसूरत है। रहमान कह रहा है ये गार्डन अपने घर में बना लो। अब कैसे बनाए यार अपने घर में इतना बड़ा गार्डन। चलो बैठ जाओ यहाँ पे। वाह नाइस नाइस प्लेस टू सिट। इट्स अ बटरफ्लाई, इट्स नथिंग एल्स, जस्ट अ बटरफ्लाई। पता नहीं कौन सी चीज़ है ये, डर रहा होगा। चलो इसके करीब नहीं जा सकते हम। ये देखिए पता नहीं क्या चीज़ है। ओहो हो क्या बात है। ये देखिए ये फूल जो है एक हफ्ता पहले बिल्कुल तरोताज़ा थे। मेरे पास वीडियोस हैं, वो मैं लगा दूंगा आखिर में और आपको भी दिखाएंगे। तो बात ये है कि यार नेचर के क्लोज ये लोग कितने नेचर के क्लोज हैं। अपने घरों में इन्होंने गार्डन लगाया हुआ है और एक पूरा नेचुरल जो है एनवायरनमेंट उन्होंने बनाया हुआ है। और इतना मैं आपको बता नहीं सकता कि इतना खूबसूरत मंज़र है, आपका मूड इतना प्यारा हो जाता है कि क्या बताऊँ। और ये ग्रीनरी देखते हैं ना तो बंदा खुश हो जाता है। तो एटलीस्ट मैं तो बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। और अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये प्लांटेशन इतनी ज़रूरी क्यों होती है, घर में गार्डन होना इतना ज़रूरी क्यों होता है। वाह व्हाट हैपेंड। ये देखिए ये वीडियो एज इट इज़ मैं रख दूंगा क्योंकि मैं इसको एडिट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रही है। और मैसेज यही है कि अपने आसपास जो है ऐसी ग्रीनरी लगाएं और प्लांटेशन करें। और इतनी जो गर्मी है पाकिस्तान में स्पेशली, उसका एक ही हल है कि अपने आसपास प्लांट्स लगाएं, पौधे लगाएं, होम गार्डनिंग करें, घर में वेजिटेबल्स लगाएं, घर में ऐसे फूल लगाएं, ऐसे छांव देने वाले दरख्त लगाएं। और अभी जो यहाँ पे मौसम है, अगर आप बाहर रोड पे खड़े हो जाएं और इसके नीचे यहाँ पे खड़े हो जाएं तो ऐसे समझें कि यहाँ पे नेचुरल एसी चल रहा है और कोई 8 से 10 डिग्री का डिफरेंस होगा आई एम डैम श्योर, बाहर रोड पे और यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सी हवा आ रही है खुशबू के साथ। तो ये बहुत खूबसूरत है यार, बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखें आगे हम नहीं जा रहे हमें, क्योंकि दैट्स इट वी गो बैक। ओके ओके कम गो बैक या लेट्स गो रन या देखें जी। ओके दिस इज़ द एग्जिट ओनली, आई एम नॉट श्योर यहाँ पे क्या है। इधर से आ जाओ मुझे फॉलो करो। ये देखें कमाल यार कमाल। आ जाओ इधर से आ जाओ स्लो। रहमान तुम्हें मजा आ रहा है? नो मजा क्यों नहीं आ रहा तुम्हें मजा? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। Ooh, really? It's not fun? You don't like it? Such beautiful flowers are here. See? Don't do that. ये सही है यार। ये सही है रहमान। चले इसको सिर्फ इंटरनेट मोबाइल और स्क्रीन चाहिए बस, that's it. Come. Yusra, come. Let me see how you rescue yourself. Come, yeah.
Yeah, nice. Come here, come here, come on. Quick, quick, quick. आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही आ जाओ, आ जाओ, हाथ लगा के आ जाओ. वेरी गुड, आ जाओ जल्दी जल्दी से आ जाओ. हो, ये देखें जी फ्लावर्स कितने खूबसूरत. उनके साथ इन्होंने ना जो इनके नाम है वो भी लिखे हुए हैं. ओहो, एक हफ्ता पहले ये बिल्कुल फ्रेश थे सारे. चलें जी, डोंट डू दैट. ये गलत गा रहे तेरी, न कर, एक टच न कर किम शेको. एरिया वी गो ऑन दिस साइड. एडू मथे हलो, मथे 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 एडिया ऑन द साइड. Go ahead. Wow, यहाँ पे बैठ भी सकते हैं हम यार. देखें क्या बात है यार. I wish I can do such stuff in my life ever if I get a chance. ये देखें क्या बात है. तो ये था गार्डन का एक छोटा सा ट्रिप आप लोगों के लिए. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. मैसेज एक ही है कि अपने आसपास पौधे लगाएं, प्लांटेशन करें, अपने आसपास मोहब्बत फैलाएं ना, मतलब अपने अपने आप का ख्याल रखें, अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, लोगों का ख्याल रखें, ताकि हर चीज़ खूबसूरत नज़र आए. और जब आप पॉजिटिव होते हैं तो हर चीज़ खूबसूरत हो जाती है वैसे भी. तो इन फूलों की तरह महकते रहें, खुशबू फैलाएं, रंग फैलाएं, रंग बिखेरें. मेरी उर्दू उतनी अच्छी नहीं है वैसे. ये देखें, ओहो क्या बात है. एंग्री बर्ड है ना. आ जाओ आ जाओ. तो जी अब हम निकल आए हैं वापस गार्डन से और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ. एक छोटा सा मैंने सोचा कि एक जो है छोटी सी जो वीडियो है बना लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप भी देखें कि हम जो है लोग यहाँ पे कितना इन्जॉय करते हैं. तो देखते रहिए स्टडी एंड ट्रैवल विद नोमान. और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अमेरिकन लाइफ का एक अमेरिकन सोशल लाइफ के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताता रहूँगा, कि इसी तरह हम जो है यहाँ पे इतना आज़ादी से और इतनी फ्रीडम के साथ घूमते रहते हैं और
हमारा एरिया जो है एक छोटा सा होम, छोटा सा कैंपस टाउन है, लेकिन उसके बावजूद हमें लोग जो हैं यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक माहौल है यहाँ पे। तो थोड़ी सी गर्मी है यहाँ पे, जैसे मैं आया मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको गर्मी महसूस हो रही थी और अभी भी गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन हम जैसे अंदर गए तो ऐसे लग रहा था कि जैसे एसी लगा हुआ। तो ये जी डाउनटाउन के बिल्कुल साथ पार्क है हमारा, काया होगा रिवर के साथ। रहमान यहाँ पे एंजॉय नहीं करता, लेकिन हम सब यहाँ पे आते हैं और एंजॉय करते हैं। ये देखें ये कितना खूबसूरत मंज़र है, ठीक है। यहाँ पे लोग आके पूरा पूरा दिन स्पेंड करते हैं। तो चलते हैं नीचे, आ जाओ। ओह क्या मंजर है यार, कितना खूबसूरत, बहुत अच्छा है। इट्स नेचर, आई विल नॉट गिव यू कंप्यूटर टुडे, यू विल बी विद मी हियर इन द गार्डन अमंग द ट्रीज। या यसरा, हाउ यू फील, यू लाइक इट? शी लाइक्स इट, या। ओ देखेंगे, ये देखें, ओहो हो। और यहाँ पे फिर जैसे नेचर ने एसी चला दिया है, इतना ठंडा, क्या बात। कम कम ऑन दिस साइड, कम ऑन दिस साइड, वी गो डाउन। रहमान तुम मेरी वीडियो बना लो यार, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम मेरी वीडियो बना लो यार। वीडियो ऑन है, सिर्फ मुझे तुम कैप्चर करो, ठीक है। ये तुम पकड़ लो, तुम इधर वेट करो, मैं आता हूँ। हाँ, और ये लोग कयाकिंग कर रहे हैं, देखें। ओहो हो, जबरदस्त। वो देखें जी, मैंने किया था एक दफा, चलें आ जाए, वापस आ जाए। हेलो, ऊपर चलें, ऊपर चलें, इधर।